विदिशा जिले के गंज बसुदा व्यापारी महासंघ ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अनुविभागीय अधिकारी गंज बसुदा को सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 को जीएसटी कानून में की गई कुछ बदलावों के संदर्भ में व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई है। ज्ञापन में बताया गया कि जिस जीएसटी को लागू करते समय बताया गया था कि एक राष्ट्र कर एक बाजार में होने वाले सभी कर समाप्त कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक टैक्स जीएसटी के रूप में लगेगा जिसे टैक्स का सरलीकरण हो जाएगा, लेकिन इसमें विपरीत जीएसटी के संबंधित नियमों को कठोर प्रावधानों और पेनल्टी की समस्याओं से व्यापारी ग्रसित होते जा रहे हैं। जीएसटी लागू हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों संशोधन किए गए और आज भी हो रहे हैं, जिसमें उसकी मूल पहचान ही समाप्त कर दी है। जीएसटी कठोर नियमों की बदौलत मूल कर से ज़्यादा पेनल्टी का बोझ हो गया है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज का ज्ञापन भाई साहब किस विषय को लेकर दिया है? आज का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जीएसटी की विसंगतियों को लेकर दिया गया है। अभी 1 जनवरी 2021 में जीएसटी में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिससे व्यापारी बहुत परेशान हो जाएगा, और व्यापारी व्यापार करने के बजाय सिर्फ जीएसटी की लिखा पढ़ी में ही उलझा रहेगा। उनको संशोधनों के लिए प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उस पर सरलीकरण करें, क्योंकि जीएसटी सरलीकरण करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन उसका पालन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से उसको लागू करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।